Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Guys, today we are going to talking about the pronoun and its type. So, आज का lecture बहुत ही कमाल का होने वाला है. इस lecture से 2 मिनट के लिए भी skip हो मत होइएगा, क्योंकि इस lecture पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये बाकी lectures से बहुत हटकर होगा. So, let's get start. A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि noun की जगह इस्तेमाल होता है. लेकिन question यहाँ ये है कि हमने प्रोनाउन का वर्ड यूज ही क्यों करना है? क्या हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम नाउन ही लगाते जाएं? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई, कि अगर हम नाउन ही यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन का हम यूज ही नहीं कर रहे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? होगी, बहुत ज्यादा होगी. इवन कि आप खुद को पागल समझने शुरू हो जाएंगे कि यार वो चीज यहां पड़ी हुई है तो हम ये वो की लफ्ज क्यों नहीं यूज कर रहे, बजाय हम उस चीज का नाम ही क्यों लिए जा रहे हैं. बहुत फर्क पड़ता है. जो पर्सनल प्रोनाउन है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. इनका इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा रोल है. ये एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, जस्ट लाइक आवर 7 पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, किस तरह हैसियत रखते हैं मैं आपको बताता हूं. यहां 2-3 एग्जाम्पल मैंने कोट किया. फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय. अली एक अच्छा लड़का है. अब मुझे पता चल गया है कि मेरा स्पीकर अली से रिलेटेड बात कर रहा है. फिर आगे वो कहते हैं अली फादर्स नेम इज इश्तियाक हुसैन. अली यहां पोस्ट्रोफी लगा के एस लगा लीजिएगा कि अली फादर्स नेम इज इश्तियाक हुसैन. अली इज अ स्टूडेंट. अली इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. अली इज एन एक्सीलेंट बॉय. ठीक है, अब यहां पे मैं अली 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 का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्वेश्चन ये पैदा होता है, अली तो एक नाउन है तो हमने प्रोनाउन क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें तो समझ आ गई है कि प्रोनाउन दफा करो, प्रोनाउन को क्या करना है, हमें नाउन तो आ गए. भाई आपकी राइटिंग में अगर ब्यूटीज लाना चाहते हो, क्योंकि आप भी आपके रीडर को पता चल गया है आपके फर्स्ट सेंटेंस से कि आप अली के बारे में बात कर रहे हो, सो आप अगेन क्यों उसी को रेफर कर रहे हो? अलीज फादर नेम इज, अली इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, अली इज अ एक्सीलेंट बॉय, अली इज अ स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. सो आप बार बार अली का नाम क्यों ले रहे हो? यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है. तो हम फिर क्या करें, तो करें क्या? ओ भाई, हम यूज कर सकते हैं, हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, उसकी जगह हम ही लगा सकते हैं. अगर हम अली ही अली अली करते रहना है तो हम उसकी जगह, एक दफा जब अली कर दिया है तो उसकी जगह हम ही क्यों नहीं कर रहे? ही आपके सेंटेंस को बताएगा लिंकिंग वर्ड्स के तौर पर. यहाँ पे ही जो होगा वो एज ए लिंकिंग वर्ड होगा. प्रोनाउन तो होगा लेकिन वो अली के साथ लिंक कर रहा होगा. नो आई एम मूविंग टू वर्ड द टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. सो लेट गेट स्टार्ट. द फर्स्ट एंड द मेजर, इवन यू कैन से दैट द एमिनेंट टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज अ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज इन अ प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग्स इवन अ पर्सन. देयर आर डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन के वेदर वी आर रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट of a sentence, grammatical persons, genders, and the numbers of the things, people in a questions. Person pronoun क्या होते हैं कि जो एक specific शख्स के लिए, जगह के लिए, चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Person pronouns are a pronoun or depending upon कि जो चीज हम जिसको refer कर रहे हैं, चाहे हम subject को refer कर रहे हैं, चाहे हम object को refer कर रहे हैं अपने sentence के अंदर, ग्रामेटिकल पर्सन को, जेंडर्स को, जिस टाइप का भी जेंडर्स है उसके लिए, नंबर्स ऑफ द थिंग्स, बेशुमार चीजें हैं जिसके लिए हम दीज का वर्ड यूज कर रहे हैं, दोज का वर्ड यूज कर रहे हैं, जिस तरह का भी है, ठीक है, दे का वर्ड यूज कर रहे हैं. सो अगर 7 पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो नंबर्स ऑफ द थिंग्स के लिए हम दे का वर्ड यूज करेंगे, नंबर्स ऑफ द पीपल्स के लिए हम दे का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, देयर्स का वर्ड यूज करेंगे, देम का वर्ड यूज करेंगे. बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कि ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे. बट रिमेंबर वन थिंग about the personal pronoun. If you want to know the brief history of personal pronoun, then go toward my another lectures on direct indirects. In the first lecture of direct indirect, I have already declared in front of my viewers in a very brief detail. अगर उसको दोबारा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करता जाऊंगा जो पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर है. तो ऑलमोस्ट 7 पर्सनल प्रोनाउन्स आर हियर, आई, वी, यू, दे, ही, शी. सो देयर आर ऑलमोस्ट 3 टाइप्स ऑफ द केसेस, नॉमिनेटिव केस, सब ऑब्जेक्टिव केस एंड द पोजेसिव केस. आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट इन अ फ्यू मोमेंट्स. वन इज फॉर
फर्स्ट पर्सन, आई मीन टू से कि द पर्सन इज स्पीकिंग, एक शख्स जो बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट पर्सन. बट इफ यू लुक टूवर्ड द अदर टाइप्स ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ सेकेंड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन इज अ पर्सन स्पोकन टू, कि मतलब एक जो शख्स जिसके सामने बोला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट यू या आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर पर्सन, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्पेसिफिकेशन अबाउट द यू कैन से डैट के इवन के आई एम टॉकिंग अबाउट द अब्यूजिंग वर्ड्स या फॉर अप्रेजिंग वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्पेसिफिकेशन अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ अनदर पर्सन. सो आई एम टेलिंग यू इज अ फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनिंग मी इज अ सेकेंड पर्सन. But the person spoken of, जिसके बारे में बोला जा रहा है, this is called actually a third person pronoun. यहाँ series में देखिएगा, एक तो मैंने numbers की series दी हुई है, एक grammatical persons की series दी हुई है, एक personal pronoun की series दी हुई है. Numbers क्या है? Numbers के हवाले से हमारे personal pronoun दो series के अंदर बटे हुए हैं, एक तो singular, एक plural के अंदर, ठीक है? और ग्रामेटिकल हिसाब से हमारा तीन टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. अगर हम पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट देयर आर ऑलमोस्ट यू कैन से दैट के थ्री टाइप्स ऑफ केसेस, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड द पोजेसिव केस इवन दो द ऑब्जेक्टिव केस. सो नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो नोन एज ए सब्जेक्टिव केस, यू कैन से डैट कि जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस इज ऑल्सो अ सब्जेक्टिव केस एंड वी कैन ऑल्सो से इट एज ए नॉमिनेटिव केस. सो हेयर आई हेयर ऑलमोस्ट थ्री टाइप्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, यू कैन से डैट के नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड द पोजेसिव केस. पोजेसिव केस मीन्स टू टेक मीन्स टू से टू शो द ऑनरशिप ऑफ अनदर पर्सन, मीन के दिस थिंग इज बिलोंग्स टू यू, मतलब ये चीज तुमसे बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है? तो दिस इज माय लैपटॉप, या वी कैन से दैट के दिस लैपटॉप्स बिलोंग टू अली, हम ऐसे बोल देते हैं. तो ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि किसी शख्स को उसकी मलकियत के साथ जो रिलेट करना होता है वो पोजेसिव केस होता है. सब्जेक्टिव केस होता है किसी को नॉमिनेट करना, मतलब के यू विल डू इट, वी विल डू इट, आई विल डू इट, मतलब के ही विल डू इट या शी विल डू इट. तो मतलब किसी शख्स का नाम एज ए पर्सन प्रोनाउन के तौर पर, एज ए सब्जेक्ट किसी को नॉमिनेट करना कि तुम इस चीज को करोगे. ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, जैसे कि हम पहले से पढ़ते आते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं. बट लेकिन यहां देखने की बात है, कम टू द पॉइंट के सिंगुलर और प्लूरल कौन से. अब याद रखिएगा सेवन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस हैं जो एज ए सिंगुलर यूज होते हैं और कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस हैं जो एज ए प्लूरल यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, You, he, she, it, ये याद रखिएगा ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं. यस ऑब्वियसली यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है. कुछ लोग हैरान रह गए होंगे कि यू सर कैसे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है. मैं आपको बताता हूं. पहले तो हम आई को देखते हैं. तो हम सब जानते हैं कि आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. एक आई सब्जेक्टिव के तौर पर भी लिया जा सकता है. अगर हम नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं तो नॉमिनेटिव केस के भी ऊपर फुल्ली ये फिट होता है, ठीक है, कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. सेकंड है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू. तो हम यू की अगर हम बात करते हैं तो यू इस पर्सपेक्टिव से लिया जाता है. आई एम टेलिंग यू अबाउट एन एग्जांपल. आई होप सो कि आफ्टर लिसनिंग दिस एग्जांपल यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू वर्ड्स एंड इट्स डिफरेंशिएट्स. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल जस्ट लाइक के व्हाट आर यू डूइंग यार, व्हाट्स योर पर्पस, बट यू वॉन्ट टू डू विद दिस. सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बंदे से मुखातिब हूँ, उसको नॉमिनेट कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो. अब यू मैं लगा रहा हूँ एज ए पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल मे बी मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अहमद या आई एम लिसनिंग अबाउट अनदर पर्सन, या मैं किसी अहमद के बारे में बात कर रहा हूँ, उमर के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे पास मौजूद है. बट मैं उसको अगेन एंड अगेन, मैं रेपिटेशन यूज नहीं कर रहा, मैं उसके नाम की बजाय जो है ना वो पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ यू. तो यू इज अ सब्जेक्टिव केस हियर. सो यहां पे यू एक सिंगुलर यूज हो रहा है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है हमारे, ही, शी, इट. तो इसको हम सब जानते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर और इट ही होते हैं, ठीक है? अगर मैं अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर किसी ने इसके बारे में नहीं देखा, क्योंकि ये हमारे एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं ग्रामर के अंदर,
सेवन पर्सनल प्रोनाउन, अगर किसी ने इसको नहीं देखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर रहा हूँ, वहां से देख लीजिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं प्लूरल नंबर्स की। सेकेंड फॉर्म ऑफ नंबर इज प्लूरल। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है वी। याद रखिएगा सेवन पर्सनल प्रोनाउन की सीरीज के अंदर सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दो ही हैं, एक आई और एक वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करते हैं यू, तो ये एक एज ए प्लूरल भी आता है। यू एज ए सिंगुलर भी देख चुके हैं, यू एज ए प्लूरल भी आता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ अवर स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ अवर क्लास फेलोज आर सिटिंग इन अ सेम पोजिशन या इन अ सेम प्लेस, किसी टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं क्लास, कोई एक्टिविटी हो रही है हमारी, तो हम वहां बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार आगे का क्या प्लान है, ठीक है, के गाइस के व्हाट यू थिंकिंग अबाउट दिस, के अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो यू वर्ड यूज हो रहा है एज ए प्लूरल यूज हो रहा है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ ग्रुप से, व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, के एक्चुअली व्हाट वी शुड। तो यहाँ पे जो मैं हमें यूज कर रहा हूँ ना यू का वर्ड, तो ये एज ए प्लूरल है। थर्ड पर्सन है दे, तो ये सबको इसके फीचर्स और क्वालिटीज के बारे में पता। तो आई होप सो के दिस इज मोर देन इनफ फॉर द पर्सन प्रोनाउन। No, actually, I'm moving toward the second type of pronoun is a demonstrative pronoun. अच्छा, demonstrative pronoun जो होता है वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है किसी खास जगह के लिए, चीजों के लिए, किसी खास जगह या चीज को दिखाने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कोई चीज पास पड़ी है, कोई चीज दूर दूर पड़ी है, तो उस चीज का बगैर नाम लिए उसको रिप्लेस कर देते हैं हम दिस डैट से, दोस्त से, दीस से, ऐसे वर्ड से हम रिप्लेस कर देते हैं। बट कंडीशन यही होती है कि वो चीज आपके पास पड़ी है या दूर पड़ी है, किसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट करवाना, ठीक है, इसके मीनिंग से जाहिर हो जाता है कि आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स टू शो विच वन वी आर डिस्कसिंग। फॉर इंस्टेंस कि आई डोंट लाइक डैट, कि मैं उसको पसंद नहीं करता था, आई डोंट लाइक डैट वन, मैं उनमें से किसी एक को पसंद नहीं करता था, बट आई डू लाइक दिस वन, लेकिन मैं इनमें से किसी एक को पसंद करता हूं, मैं उनमें से जो ज्यादा दूर है, जो हमारे पास इवन के हम नहीं उसको देख सकते, ठीक है, इवन के अगर देख भी रहे हैं तो वो दूर काफी पड़ा हुआ है। दिस की बात कर रहा है कि ये जो अभी अभी पास पड़ा ना, मैं इसको लाइक करता हूं उनकी बजाय। सो आगे जाके मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी दूंगा जिसके जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो डिमोस्ट्रेटिव पर्सनल डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के जरिए यही काफी है कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट that we are trying to describe, yeah, you can say that ke the tell you the specific distance, even ke the near as the far of a object. So ek word hota hai that and this, each indicate a specific things in relation to the speaker, theek hai. This is a singular form. If we talk about the plural of this is a these, and used to refer the nearby the things, ke ye cheez mere bahut zyada kareeb hai. While that, if we talk about the plural form of this those, to those refer ke refers the things far away, ke wo cheez humse bahut dur padi hui hai. I'm telling you an example which you can easily understand about this. For example, ye upar wali ko dekh rahe hain, ye humse choti bhi hai aur kuch dur padi hai, isliye hame choti dikhai de rahi hai. ये जो नीचे वाली को है ना, ये बिल्कुल पास है, इसलिए हमें जो है ये जो है कि ये बिल्कुल पास है, इसलिए हमने यहाँ पे दिस का वर्ड यूज किया। आगे सिमिलर, फॉर एग्जाम्पल डेट को इज फॉर अवे, ठीक है। अब यहाँ पे अब सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्योंकि ये बहुत दूर पड़ी है, सो डेट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड डेट, ठीक है, एज ए प्रोनाउन, एज ए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे है दोज, दोज इज आल्सो अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, विच लिंकिंग टुवर्ड द नाउन एज ए को, ठीक है, कि दोज कोस, कि अब प्रोनाउन जो प्रोनाउन्स होते हैं वो याद रखिएगा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नाउन से बिल्कुल पीछे आ रहे होते हैं, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स उनमें से एक होता है। फॉर एग्जाम्पल डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज है, यहाँ पे को इज अ नाउन, ठीक है। अब ये जो दोज कोज आर फार अवे, दोज कोज आर फार अवे, क्योंकि वो कोज बहुत दूर है। आगे हम दूसरे की बात करते हैं कि दिस को इज क्लोज, ये जो हमारे बिल्कुल ये जो पास है ना, कि ये बिल्कुल पास पड़ी है, दिस कोज आर आल्सो क्लोज। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
No, I'm going to word the another examples. Types of the pronoun is a relative pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं कि जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को के बारे में रेफर कर रहे होते हैं. सो एक्चुअली वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं इन द टर्म के हाउ इट रिलेट टू अनदर वर्ड्स, कि ये कैसे किसी दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वी आर फेस टू फेस विद द मैन, हम उस आदमी के बिल्कुल सामने खड़े थे. हु सोल्ड द वर्ल्ड, ठीक है. Who यहाँ पे is a relative pronoun. This thing is remember. In the above example, again I'm telling you के who is relative pronoun because it helps to show. ये हमें मदद कर रहा है दिखाने के लिए noun के मतलब जो यहाँ पे man है और word आदमी और दुनिया के दरमियान relationship काम करके दिखा रहा है as a who, ठीक है. Thereby indicating that कि we are referring to a specific persons, कि एक खास शख्स के बारे में बता रहा है. So don't forget about this कि relative pronoun is the one which is used to refer to the nouns mentioned previously as I have already told you about this. And that के whatever they are the people, place, things, animals and the ideas, relative pronouns can be used to join the two sentences. Relative pronoun याद रखिएगा, चाहे वो subject हो चाहे वो object हो, किसी भी जगह का, चीज का, जानवर का या किसी ideas के बारे में बात करनी हो तो relative pronoun can also be used to join the two sentences. ठीक है, for example, who, whom, that, which, whoever, ठीक है. फिर उसके बाद whom, over, whichever, these words actually belongs to the relative pronoun. So the main relative pronouns are referred to a peoples who as a subject and whom is a object. And the other key terms in these categories are which are used for the things. हम which तो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, एंड डैट का वर्ड तो हम इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर अदर पीपल्स या थिंग्स. हम इसको किसी शख्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हु जो है जस्ट फॉर द सब्जेक्ट, किसी जगह के बारे में नहीं, किसी जगह के बारे में बात कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, एंड हुम इज अ ऑब्जेक्ट. आई होप सो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कोट करने की जरूरत पड़ेगी. तो फॉर एग्जाम्पल lots of examples are coming in my mind. For example, के this is the place where we met. यहाँ ये वो जगह है जहाँ हम मिले से. So where so here just like I am using the word where. I mean to say कि this is the place where we met. Where is also a relative pronoun. Coming toward another example के you can choose the one person's, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हुम एवर यू लाइक, जस्ट लाइक यू कैन चूज वन पर्सन, तुम सिर्फ एक शख्स को चूज कर सकते हो. हुम एवर यू लाइक, जिसको तुम पसंद करते हो. हुम एवर इज आल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल इज हेयर के हु ही हु हेजिटेट इज यू कैन सी डेट के लॉस्ट. यस, ही हु हेजिटेट इज लॉस्ट. सो ही एंड हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि जो लिंक कायम करता है नाउन और ऑब्जेक्ट के दरमियान, जो किसी नाउन को जाहिर करने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रेफरिंग टू द पीपल, रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट, रेफरिंग टू द थिंग्स, रेफरिंग टू द पीपल्स एंड द थिंग्स. सो वी कैन ऑल्सो यूज द रिलेटिव प्रोनाउन्स इंस्टेड ऑफ अवर नाउन. सो आई होप सो कि आप समझ चुके हैं. और मुझे लगता है कि अगर सारी ही एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप भी थक चुके होंगे. आई होप सो. सो अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो कमेंट सेशन में बताइएगा. स्टेबल, ठीक है, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इन दिस सिचुएशंस. सो स्टे ब्लेस्ड इन योर होम. अल्लाह हाफिज़.